नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को 3 से 4 जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक बार हमारा चैनल जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने हमारे चैनल टेक एंड टारगेट पर ऑलरेडी बहुत सारी जॉब अपडेट्स आपको दे रखी है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, कैप जेमिनी हायरिंग कर रही है, जिसकी लास्ट डेट है दोस्तों 12th ऑफ दिसंबर। तो मेक श्योर दोस्तों आप उसमें भी जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो आज की पहली जॉब अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत ही शानदार है, क्योंकि दोस्तों यहां आपको पैकेज मिल सकता है 42 LPA तक का। और दोस्तों पहली बता देता हूं यार, यहां जो सैलरी है वो डॉलर में लिख रही है, बट दोस्तों लोकेशन इंडिया में भी मिलने वाली है। रिमोटली आपका वर्क हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी दोस्तों आपको मिल रही है 2021 एंड 2022। $60,000 को दोस्तों आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, 42 लाख आएगा। अगर मैं 70 का डॉलर लेकर चलता हूं, वैसे तो दोस्तों 72-74 डॉलर फ्लक्चुएट करता रहता है, तो दोस्तों इसमें जरूर अप्लाई करिए। और साफ साफ लिख रखा है, यू शुड ग्रेजुएट इन 2021 और 2022 विद अ कंप्यूटर साइंस डिग्री, नो वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स दोस्तों फ्रेशर्स की हायरिंग होने वाली है, तो यार ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है 2022 बैच को। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता देता हूं, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो दोस्तों। आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग इन एटलीस्ट वन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड ऊप लैंग्वेज, दोस्तों आपको ऊप्स कंसेप्ट पता होने चाहिए। आपकी दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दोस्तों अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, और दोस्तों आपको अगर बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आती है, तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम डिजाइन, यार हर जगह बेसिक रिक्वायरमेंट्स मांगी है, ये आपसे एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एबिलिटी टू इफेक्टिवली विद अ वेरायटी ऑफ ऑडियंस, बाकी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। क्योंकि यार एक चीज देखिए ना, आपको 42 LPA तक का पैकेज मिल सकता है, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है, और मांगा क्या है, बस ऊप्स कंसेप्ट मांगे हैं। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, सिस्टम डिजाइन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपके पास कैसे मेल आएगा, क्या आएगा, दोस्तों यहां इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, यू विल रिसीव एन ईमेल विद अ लिंक टू स्टार्ट योर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन। आवर हायरिंग प्लेटफॉर्म विल गाइड यू थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग असेसमेंट टू चेक फॉर बेसिक जॉब फिट, जॉब रिलेटेड स्किल्स, एंड फाइनली अ फ्यू रियल वर्ल्ड जॉब स्पेसिफिक असाइनमेंट्स दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यार मैं समझता हूं यार ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, क्योंकि पैकेज काफी अच्छा है, हायरिंग प्रोसेस काफी इजी होने वाला है, और सब कुछ दोस्तों आपको आपके मेल पर मिलने वाला है। अब मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी बता देता हूं बायजूस कंपनी की तरफ से। यार जब भी बायजूस की हायरिंग आती है, सब लोग सोचते हैं यार सेल्स जॉब आएगी, बट यार इस बार सेल्स जॉब नहीं है दोस्तों। ये लोग हायरिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए। यहां भी दोस्तों आपका वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है एज ऑफ नाउ। अगर दोस्तों मैं आपको प्रेफर्ड स्किल्स की बात करता हूँ, क्या क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, सॉलिड प्रोग्रामिंग स्किल्स इन ROR, Node.js, Python, GoLang और जावा। बाकी दोस्तों जावास्क्रिप्ट पर आपकी नॉलेज होनी चाहिए, HTML5, CSS पर दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्ट JS, एंगुलर JS। दोस्तों अब आप सोच रहे हो यार इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ तो हमें नहीं आता। मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर इनमें से यार आपको 2 से 3 स्किल्स भी आती है, तो यार जब भी इसके लिए जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि ऐसा फ्रेशर आप पे इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। बाकी दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बैंगलोर दोस्तों लोकेशन है, CTC की बात करता हूं तो दोस्तों 15 LPA तक का आपको यहां CTC मिल सकता है। ज्वाइनिंग बोनस ही दोस्तों 3 लाख है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो दोस्तों 10th और 12th में 60%, BE BTech में दोस्तों 7 एंड अबव। ब्रांचेस की बात करते हैं CSE, IT, EE&C एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों एलिजिबल होने वाली है। शेयर गिटहब लिंक, तो दोस्तों जो भी आप अपना रिज्यूमे सेटअप करने वाले हो, यहां दोस्तों अपलोड करने वाले हो, जो भी आप अपना रिज्यूम है उसमें अपने सारे लिंक्स जरूर अपलोड कीजिएगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी टेकन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी ऑन प्रोबेशन ऑफ दोस्तों 3 महीने का, एज कंफर्म एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्निकल पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग। दोस्तों पहले आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हो तो दोस्तों आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यहां दोस्तों सब कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर है, शॉर्टलिस्टिंग होगी, प्रोग्रामिंग राउंड है, राउंड 1 इंटरव्यू है, राउंड 2 इंटरव्यू है। तो दोस्तों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट,
यार इसमें जरूर अप्लाई करिए, सेल्स जॉब नहीं है, पैकेज आपको 15 LPA तक का मिल रहा है, पहली जॉब अपॉर्चुनिटी में दोस्तों कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। तो दोस्तों 2022 के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, और 2021 अगर यार आपको थोड़ी बहुत चीजें भी आती है तो 42 LPA आपके लिए मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ जो कि दोस्तों रीलेवल बाय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई है। यहां दोस्तों अर्बन कंपनी हायरिंग कर रही है बिजनेस डेवलपमेंट डोमेन पर। यहां दोस्तों 2022, 2021, 2019, 2018 सभी एलिजिबल होने वाले हैं। पैकेज दोस्तों यहां आपका 6 LPA तक का मिल सकता है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर दोस्तों आपने बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीकॉम डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है दोस्तों आप इसके लिए एप्लीकेबल होने वाले हो। अगर आपको नहीं मालूम कि यार रीलेवल में अप्लाई कैसे करना है तो दोस्तों इसका एक डिटेल्ड वीडियो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो दोस्तों उसको देखिए और इसमें जरूर अप्लाई करिए। नेक्स्ट है दोस्तों अपग्रेड, जो कि दोस्तों फिर से एक बार रीलेवल बाय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से हायर कर रहा है बिजनेस डेवलपमेंट डोमेन में। और दोस्तों अगर मैं पैकेज की बात करता हूं तो दोस्तों 5 LPA तक का, और दोस्तों अगर आप यहां बैकएंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों 10 LPA तक का पैकेज मिल सकता है। यहां भी दोस्तों कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, हर कोई एलिजिबल होने वाला है। दोस्तों आपकी अगर दोस्तों आपकी एज 18 से ज्यादा है तो दोस्तों आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। तो यार इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, सारी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली है। और यार अगर आपको जानना है कि बिजनेस डेवलपमेंट का जो इंटरव्यू होता है वो कैसे होता है दोस्तों, वो भी हमने हमारे चैनल पर डाल रखा है। अब मैं दोस्तों आपको लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी बता देता हूं जो कि दोस्तों आज की है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट की गई है KPIT कंपनी की तरफ से। यहां दोस्तों हो रही है 2021 बैच की हायरिंग, लास्ट डेट दोस्तों यहां साफ साफ मेंशन कर रखी है। दोस्तों मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, हर एक चीज मेंशन है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के बाद दोस्तों मेल भी आ जाएगा, यहां दोस्तों हर एक चीज मेंशन है। तो दोस्तों CTC 3.5 लाख तक का पैकेज आप सभी को मिल रहा है। अगर मैं बाकी के बेनिफिट्स की बात करता हूं तो दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलने वाली है 6 लाख तक की। यहाँ दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख तक की, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दोस्तों 20 लाख तक की। अगर दोस्तों मैं एलिजिबल ब्रांचेस दोस्तों आप देख सकते हो, काफी सारी ब्रांचेस यहाँ एलिजिबल होने वाली हैं। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऐसे दोस्तों काफी सारी ब्रांचेस यहाँ एलिजिबल है। यहाँ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 55% का क्राइटेरिया है। ये दोस्तों आप देख सकते हो 10th, 12th BTech, 10th Diploma BTech, दोस्तों हर जगह 55 है, वो भी आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो रजिस्टर कैसे करना है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। बीई बीटेक वाले दोस्तों एलिजिबल होने वाले हैं। टेस्ट स्ट्रक्चर दोस्तों मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं एक बार इसका। डे वन दोस्तों जो 19 दिसंबर को दोस्तों आपको प्रॉपर एक टेस्ट होगा 2.5 घंटे का, जिसमें दोस्तों डे वन एंड डे टू सेक्शन ए सेक्शन बी। डे वन में दोस्तों सेक्शन ए सेक्शन बी आने वाला है, जिसमें दोस्तों आपका एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज। सेक्शन बी की बात करते हैं तो दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, CSIT फंडामेंटल्स दोस्तों काफी कुछ आने वाला है। फिर दोस्तों डे टू पे कोडिंग राउंड है। थर्ड दोस्तों आपको होने वाला है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द फर्दर प्रोसेस। अगर दोस्तों आप कोडिंग राउंड क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों आपको नेक्स्ट राउंड के लिए अपडेट किया जाएगा। बाकी दोस्तों यहां इन लोगों ने सैंपल क्वेश्चंस भी मेंशन कर रखे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। तो यार इसमें अप्लाई तो करना ही है, सैंपल क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए भी दे रखे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो हर एक चीज दोस्तों इन्होंने इन डिटेल दे रखी है। सैंपल क्वेश्चन दोस्तों प्रोग्रामिंग राउंड के भी मेंशन है। अगर आप दोस्तों प्रोग्रामिंग राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हाउ शुड यू अरेंज योर टेस्ट एनवायरमेंट, उसके दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। बाकी यार मैं आपको अप्लाई लिंक बता देता हूं। यहां आपको यार हर एक चीज, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, बर्थ डेट, हर एक चीज बहुत अच्छे से फिल अप करनी है। और साथ ही साथ दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि KPIT इस बार सिर्फ और सिर्फ 55% का क्राइटेरिया रखा है। बायजूस का भी दोस्तों मैंने आपको बताई दिया। और दोस्तों जो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी थी जहां दोस्तों आपको 40 एलपीए तक का पैकेज मिल रहा था, दोस्तों वहां तो कोई भी क्राइटेरिया ही नहीं है। तो मेक श्योर दोस्तों आप इन तीनों में अप्लाई कर रहे हो, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।